मेरा नाम है सूरज शर्मा। आज मैं आपको डेंटन टेक्सास के एक लेक के पास में ले चलता हूँ, जहाँ पर एक सुंदर सी वॉकिंग ट्रेल है। ये देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है और यूएस की वॉकिंग ट्रेल कैसी होती है। नॉर्मली आपको ऐसा दिखेगा यहाँ पर कि काफ़ी साफ सुथरा, लेस क्राउडेड, और लोग जो हैं आपको यहाँ पे कुत्ते बिल्ली, आपने जो भी पेट्स हैं उनको भी घुमाते हुए दिख जाएंगे। देखते हैं आगे हमको क्या क्या देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेगा यहाँ पर लेक्स का नज़ारा। मोस्टली सारे जो भी वॉकिंग ट्रेल्स हैं उसके पास में लेक्स होते हैं। ये देखिए एक कितना यहाँ पर जो है अपने पैट कुत्तों को घुमा रही है। और ये देखिए, मैं आपको लेक्स की बात बता रहा था जो आपको अक्सर दिख जाएगा हर ट्रेल के पास में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रेस्टिजियस होता है यहाँ पर। जो भी लोग बसते हैं वो चाहते हैं कि उनके घर के पास में एक लेक रहे, ताकि वो लोग, उनका जो शौक़ है फिशिंग का, उसको वो कर सकें। और उसके अलावा जो है समर के टाइम पे जब ज़्यादा गर्मी हो तो वो लोग जो है उसके पास में बैठ के कुछ आउटिंग करें, कुछ खेलें, कुछ खाना वाना वहाँ पे पकाएं, जो भी उनकी आउटिंग होती है समर के टाइम पे वो सब वो कर सकें। और ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा होटल भी है पास में, अगर किसी को भूख लग गई तो इवनिंग के टाइम पे जो है घूमने के बाद में लोग यहीं पे बैठ के अपनी जो है डिनर या सफ़र जो भी होता है वो कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये लिखा है नो फिशिंग एंड ट्री पासिंग। तो यहाँ पे लिखा है लोगों ने क्लियरली कि भाई फिशिंग अलाउड नहीं है, लेकिन अक्सर, और यहाँ पे एक्चुअली ऐसा रूल्स ही है कि आपको फिशिंग करनी है। ये देखिए वो होटल की मैं बात बता रहा था, ये वो होटल है यहाँ पे। पार्क में लोग घूमने के बाद में बैठ जाते हैं और अपना इवनिंग का, लंच का, जो भी उनको अगर इच्छा है तो यहीं पे जो है वो लोग कर लेते हैं नाश्ता पानी। ये देखिए ये अपने पेट को घुमा रहे हैं यहाँ पे लोग। हाँ तो फिशिंग का ऐसा है यहाँ पर कि लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता है फ़िशिंग के लिए। नॉर्मली हर स्टेट में जो है यहाँ पे फ़िशिंग के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप ऑथराइज नहीं है, आप इलीगली कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने आपको क्वेश्चन किया तो आपको फ़ाइन भी हो सकता है उसके लिए। इसके लिए नॉर्मली जो है लोग अपना लाइसेंस, जो भी शौकीन है वो अपना लाइसेंस बना लेते हैं। लाइफ टाइम का लाइसेंस होता है यहाँ पे, एनुअल लाइसेंस होता है, डिपेंडिंग ऑन किसके कितने शौक़ हैं वो हिसाब से वो लोग अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। एंड इट्स लाइक ए स्पोर्ट्स हियर, फिशिंग जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स की तरह होता है। लोग जो है दिन भर बैठे रहते हैं तालाब के किनारे और इन्जॉय करते हैं, इवन इफ दे डोंट डू एनीथिंग, बस खाएंगे उधर ही बैठे रहते हैं। तो ये भी एक शौक है यहाँ पे लोगों का। और देखो छोटा सा ब्रिज आया है ये, इसके ऊपर से हम लोग भी पास हो रहे हैं। ये उसी तालाब की दूसरी तरफ ले जा रहा है हमको। और ये देखिए कुछ यहाँ पे बत्तख वगैरह भी दिख रहे हैं। ये जो है दूसरी तरफ है तालाब के, ये पानी के टैंक्स हैं यहाँ पे लोकल काउंटीज़ की नीड्स की उनको पूरी करने के लिए। और इस तरफ जो है परमानेंट हाउसेस बने हुए हैं, लोगों ने जो है तालाब को देखते हुए जो है उसका पूरा फ़ायदा उठाया है। जैसे मैंने बताया था कि तालाब के पास में रहना लोग पसंद करते हैं यहाँ पे। देखिए तालाब भी पास में है। जैसे जैसे समर आएगा वैसे वैसे यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटियाँ बढ़ जाएगी लोगों के बाहर आने की, और ग्रिलिंग वगैरह इवनिंग में करना, खाना खाना बाहर ही गार्डन में, वो सारी एक्टिविटियाँ बढ़ जाएगी धीरे धीरे।
देखिए बहुत ही सुंदर घर जो है यहाँ पे लोगों ने बनाया हुआ है, बिल्कुल लेक से एकदम सट के बना हुआ है। ट्रेल भी है पास में। देखिए यहाँ पे, हेलो, ये देखिए ये नज़ारा जो है कंटिन्यूस वही रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का है। लोग ने यहाँ पे जो है अपने घर बना लिए हैं, अच्छी तरह से बस चुके हैं ये लोग यहाँ पे। तो हम लोग जो है लगभग एक सर्कल पूरा कर चुके हैं अभी, और ये लगभग 1 माइल का सर्कल होगा। देखो आप देख सकते हैं कैसे ये पूरा जो है तालाब के चारों बाजू घूम रहा है। लगभग 1 माइल का सर्कल है ये, और काफ़ी लोग जो है इसमें एक राउंड दो राउंड मार के जो है मतलब मैं अपनी इवनिंग वॉक का जो कोटा होता है यहाँ पे उसको पूरा कर लेते हैं। ओके तो दोस्तों हमारा 1 माइल का जो आज का वॉक है वो लगभग पूरा हो चुका है, और हम लोग जो हैं अभी देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आजकल में कोई नई चीज़ें तो आपको बताएंगे, और मीनवाइल आपको अगर ये इंफॉर्मेशन कुछ अच्छी लगी तो डेफिनेटली शेयर कीजिए और थम्स अप दीजिए। सो लुक फॉरवर्ड टू सी यू सून। थैंक यू, बाय।